तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास आ गया है वीवो की तरफ से वीवो V21, जो कि आपको न्यून के स्पार्क एडिशन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी वीवो V21 में पबजी BGMI का टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें बाय डिफॉल्ट पबजी BGMI में क्या ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और साथ में दोस्तों, हम ये भी चेक करेंगे कि इस प्राइस रेंज के साथ इस प्रोसेसर में हमें क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इसमें गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर मैं वीवो के V21 के प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो इसमें हमें Dimensity का 800U का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। तो दूसरी तरफ अगर मैं इसकी बैटरी के बारे में बात करूँ तो इसमें हमें 4400mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और साथ में दोस्तों, इस डिवाइस से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बट नॉर्मली इस डिवाइस से रिलेटेड मैंने सभी डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वीवो के V21 के पबजी BGMI के बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स दिखा देता हूँ कि हमें इस प्रोसेसर में कितने FPS देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहाँ जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्मूथ में हमें लो, मीडियम, हाई और अल्ट्रा तक की फ्रेम रेट देखने के लिए मिल जाती है। हमें इसमें फ़िलहाल के लिए कोई भी एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS की ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती, जो बाय डिफॉल्ट स्मूथ में अल्ट्रा यानी कि 40 FPS पर अनेबल है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्मूथ प्लस अल्ट्रा में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इसमें गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं।